नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल साइड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सनी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी कैसे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को प्रोफाइल का लिंक कॉपी करके आपको किसी को सेंड करना है या अपने किसी भी सोशल मीडिया में आपको शेयर करना है और उसका यूज़ करना है, तो आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखना। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और इस वीडियो को कर देना लाइक और यहां पे कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो इसके बाद चलते हैं हम वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। आपको दिखाता हूं आपको इंस्टाग्राम का लिंक कैसे कॉपी करना है और कॉपी करने का तरीका क्या है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, कोई भी इसे कर सकता है। तो इसे करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में आ जाना है और यहां पे आने के बाद सबसे नीचे आपको अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होकर दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में आपको क्लिक कर लेना है। एडिट प्रोफाइल में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका यूजर आप सबसे ऊपर नाम आ रहा है, दूसरा यूजर नेम आ रहा है, ठीक है। अब यूजर नेम को आपको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ लॉन्ग प्रेस और ये हमारा कॉपी मैंने यहाँ से इसको कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से सीधा हम आ जाते हैं बैक। आप करना क्या है आपको, अब अपने फ़ोन में आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे सर्च करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या सर्च करना है। यहाँ पे लिखिए आप इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम लिखने के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल के .com लिख दीजिए, ठीक है, और इसको कर दीजिए सर्च। नहीं, एक सेकेंड, आपको इंस्टाग्राम लिख के यहाँ पे सर्च करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखना है आपको इंस्टाग्राम, ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ .com, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्लैश लगा लेना है। स्लैश लगाने के बाद आपने जो यहाँ पे यूज़र नेम कॉपी किया था वो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके कर लेना है पेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए पेस्ट कर लिया हूँ। अब करने के बाद क्या करना है, अब आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे देखिए आपका इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे काफी सारा शो करके दिखाएगा कौन सा वाला इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम जो मैंने प्रोफाइल जिसका मैंने लिंक कॉपी करना चाह रहा था वो यहाँ पे प्रोफाइल आ चुका है। अब लिंक को कॉपी करने के लिए करना क्या है आपको, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए जो ये वाला इस ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर लेना है एक बार। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मेरा यूजर नेम आ रखा है और यहाँ पे instagram.com आ रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये मेरा पूरा जो नाम आ रहा है यही मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, इसको सिंपली कॉपी कर लेने, या तो यहाँ से शेयर बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो और या तो इसका लिंक कॉपी करना है तो यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और हमारा देखें इंस्टाग्राम लिंक कॉपी हो चुका है। अब मैं इसे किसी को भी व्हाट्सएप में अगर मैं शेयर करूंगा तो उसके पास जब भी वो क्लिक करेगा तो मेरे डायरेक्टली इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आ जाएगा। तो यही बहुत ही सिंपल इजी ट्रिक्स था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।